वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूट्यूब चैनल द सीओ फ्रॉम गॉट भाई। आज के व्लॉग में आपको फिर से लेकर आऊँ कार हेवन अशोक विहार न्यू दिल्ली। सॉरी बॉडी किट यहाँ पे रखी हुई है। तो विम्पी भैया पहले तो कैसे हो? बहुत बढ़िया गौरव, आप बताओ क्या हाल है? बहुत बढ़िया। अभी करने क्या वाले उस गाड़ी के साथ, इतना सारा सामान रखा है। यार पहले तो गाड़ी 7 सीरीज है। 2014 का मॉडल है, 7 सीरीज। इसमें करने क्या वाले हो भैया? लेटेस्ट शेप में इसको अपग्रेड कर रहे हैं बेसिकली। तो ये सारा चीजें रखी क्या है? काफी सामान तो ऐसे खोला नहीं है। जो खोला नहीं है, अच्छा हाँ, क्योंकि इसकी फिटमेंट भी होगी, इसकी मैश। ठीक बहुत सारी है। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से भैया। गाड़ी के हेडलैम्प भी रखे हुए इसके ऊपर। ये हेडलैम्प देख लो भाई, ये लगने हैं इसके अंदर। और अभी ये कुछ आते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये देख लो, ये आए हैं, अभी ये अपग्रेड हो जाएंगे ना भैया। ठीक है तो ये देख लो हेडलैम्प, इसके डुअल प्रोजेक्टर और एलईडी बल्ब, डीआरएल वगैरह काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। इसके बाद इसका फ्रंट की ग्रिल भी पूरी चेंज होनी है। ग्रिल चेंज होगी, ये रखी ग्रिल, हुड आगे चेंज होएगा। ये देखो पूरा हुड रखा हुआ है, बोनट, ये रियर बम्पर रखा हुआ है, ये टेल लैम्प रखी है, वो फ्रंट बम्पर भी रखा हुआ है, फेंडर्स रखे हुए हैं यहाँ पे, सारी चीजें चेंज होनी है। सब कुछ है, स्कर्टिंग भी लगेगी। स्कर्टिंग भी लगेगी। तो यहाँ पे ना सारी चीजें विम्पिया ने बता दी है। विम्पिया अंदर भी कर रहे हो कुछ? तो भाई ये सिर्फ इतना नहीं है, बाहर बाहर से वो नहीं है, गाड़ी के अंदर भी हम जो है काम करने वाले हैं। गाड़ी के अंदर आ गया, आपने तो पूरी गाड़ी खोल दी मेरे ख्याल से। पूरी गाड़ी खोल चुकी है, डिसमेंटल स्टार्ट कर दिया था सुबह यार। ठीक अब आप आए हो उसके बाद। हाँ तो भाई पूरी गाड़ी आपने डिसमेंटल करी, करने क्या वाले हो? जैसे गाड़ी का कलर, सारा कलर चेंज करेंगे, चेरी कलर टाइप है, हम इसको करेंगे रेड एप्पल कलर में। रेड एप्पल कलर में, रेड एप्पल आता है वो। ठीक इसकी रूफ भी करेंगे, रूफ में स्टार लाइट्स लगाएंगे। स्टार लाइट भी लगेगी, गैलेक्सी लाइट। ठीक है, एम्बिएंट लाइट लगाएंगे। ठीक लेदर में सारी सीट्स बनेंगी, प्योर लेदर में बनेगी। हाँ जी, स्टैनले का प्योर लेदर। कलर है चेंज होगा, वुडन का कलर भी चेंज होने वाला है। इसका हेड यूनिट चेंज होगा, हेड यूनिट में जैसा आ रहा है वैसे ही लगेगा। अच्छा वही लगेगा, मतलब इंटीरियर में भी काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं। स्टीयरिंग भी चेंज करेंगे, एम स्पोर्ट्स वाला लगेगा। अच्छा एम स्पोर्ट्स वाला स्टीयरिंग भी इसके अंदर यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। क्या बात है, मतलब पूरी गाड़ी रेडी हो रही है, गाड़ी अपग्रेड हो रही है। मतलब जिन लोगों के पास बीएमडब्ल्यू पुरानी है, 7 सीरीज, हाँ 7 सीरीज कोई भी हमारे पास आ जाए, वो आ जाए, सब हो जाएगा। तो भाई ये पूरी गाड़ी का इंटीरियर है जो अभी बिफोर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी को पूरा रेडी होने के बाद। यहाँ पे ना अपनी कार हो गई है, जितनी कंप्लीट होनी थी हो गई। ठीक है भैया पहले तो कैसे हो? बहुत बढ़िया गौरव, सुनाओ क्या हाल है? बहुत बढ़िया। चक्कर क्या होगा कि हमने तो बॉडी किट सब कुछ दिखाई है वीडियो में स्टार्टिंग में, टाइम की शॉर्टेज थी कस्टमर के पास। ओके इसलिए थोड़ा सा डिले कर दिया काम। अच्छा जब नेक्स्ट टाइम आएगी तो फेस लिफ्ट कर देंगे बाकी। ठीक है तो भैया अगर आपको लग रहा है कि हमने आपको बॉडी किट दिखाई थी लगाई नहीं, थोड़ा टाइम रुकिए, पार्ट टू आएगा इसका, उसमें हम इसमें बॉडी किट भी इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है तो हुआ क्या, टाइम की शॉर्टेज है ना भैया, टाइम नहीं है कस्टमर के पास। चलो कोई नहीं, कस्टमर के पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम आपको पूरी बॉडी किट दिखाएंगे। वैसे इन लोगों को बता देते हैं कि हम एक अभी एस क्लास को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना, ऑलमोस्ट कम्प्लीट, मे बैग बना रहे हैं तो वो भी बहुत जल्दी देने के लिए मिल जाएगी। फिर भैया इस गाड़ी के अंदर हमने किया क्या फिर शॉर्टेज जल्दी जल्दी में हम क्या कर पाए? यार इंटीरियर सारा हमने जो कस्टमाइज करा है। ठीक लेदर में स्टैनले का प्योर लेदर है। ठीक M5 का स्टीयरिंग लगाया है। ठीक BMW वाला जो ठीक भैया ठीक आता है। ठीक एंड्रॉइड हेडनूट लगाया है। ठीक ठीक है, स्टार गैलेक्सी रूफ लाइट्स लगाई है, गैलेक्सी रूफ लाइट्स। ठीक है, एम्बिएंट लाइट्स हैं। ठीक अंदर का सारा हाइड्रो डिपिंग करी है। अच्छा सारा इंटीरियर चेंज, मतलब इंटीरियर पूरा कस्टम किया, सारा कस्टम। और अपने स्टीयरिंग भी बताया। अच्छा एक बात बताओ इसके अंदर हेड यूनिट भी आपने चेंज करा है? एंड्रॉइड लगा दिया। और पहले तो मतलब जो आता था बेसिक सा आता था। हाँ भाई गाड़ी अपनी कितनी पुरानी है हमारी? यार ये 2014 मॉडल का है। 2014 तो उस टाइम पे तो एंड्रॉइड वगैरह कोई सीन था नहीं आता था, तो जो उसमें लगा हुआ था बहुत बोरिंग रहा होगा, बेसिक था। चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं, तो गाड़ी के अंदर आपको लेके चलता हूँ। अभी बाहर से आपको लग रही है कि अभी रेडी नहीं हुई है, बहुत जल्दी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में रेडी करके दिखाएंगे। तो ये हमारी गाड़ी का इंटीरियर। तो यहाँ हम एकदम एप्पल रेड कलर में इंटीरियर भी पूरा कस्टम करा हुआ है। मैं आपको गाड़ी के अंदर बैठ के पूरी डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले मैट्स देख लो,
मैट्स भी इसके अंदर पूरे इंस्टॉल किए गए हैं। भैया 70 मैट्स हैं? हाँ जी 70 मैट है। 70 मैट और ये पूरा ऊपर का रिमूव कर सकते हैं इजीली, जो वेलक्रो लगी होती है इसमें। ठीक है, तो गाड़ी के अंदर आके पूरा आपको डिटेल में बताते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। सबसे पहले मैं गेट पे मेरे ध्यान जा रहा है, गेट पे जितना भी अपनी जो हाइड्रो टिप क्या हुआ ना भैया पूरा। हाँ जी सारी हाइड्रो टिपिंग है यार। तो इसको कहते क्या है, जो हाइड्रो टिपिंग कहते हैं, जो मर्जी कलर कह लो, ब्लैक एंड ग्रे है, ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन इसके अंदर काफी अच्छा लग रहा है। पूरी गाड़ी में हमने ब्लैक एंड रेड की कॉम्बिनेशन बनाया है। अच्छा ये पूरा आपने किया हुआ है? पूरा वहां तक जी, सारा यही देखो सामने तक पूरा रखा है। ठीक है, काफी सुंदर लग रहा है और यूनिक भी लग रहा है। मतलब ये है कि इस कल इस तरीके की ना मैंने मतलब कमी देखी है, बहुत रेयर नहीं मिली इतनी, मतलब इजीली आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता। ये देखो फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से हुई है इसकी, ऐसा लग ही नहीं रहा कि भैया ने इसको रेडी करवाया, पूरा ओईएम ही लग रहा है, जैसे कंपनी से आया था वैसे ही फिनिशिंग। तो भैया इसके बाद में एम्बिएंट लाइट के ऊपर आता हूं, आप लोग यहां पे एम्बिएंट लाइट नजर नहीं आ रही है अभी। ठीक है, डोर खोलो नजर आ जाएगी ना। ये एक बार डोर खोलते हुए दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे एम्बिएंट लाइट लगी है। अब आप बोलोगे यार डोर खोल के ही अगर देखेगी तो फायदा क्या है? प्लेसमेंट यही थी। हाँ प्लेसमेंट यही थी, प्लस जब भी डोर बंद होगा ना, अरे अंधेरे में होगा, आपको यहाँ की दिख रही है, यहाँ की दिख रही है। हाँ और जब अंधेरा होगा ना गाड़ी के अंदर तो चुभेगी नहीं आंखों में, एकदम हाँ बहुत अच्छे से दिखेगी नीचे। साथ में डैशबोर्ड के अंदर भी आपने एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल की हुई है। अच्छा सबसे ज्यादा ध्यान जा रहा है मेरा इसके हेड यूनिट के ऊपर। ये देखो भाई भैया ने इसके अंदर ये था, अच्छा फैक्ट्री फिटेड वाला ये रहा। हाँ जी यहाँ देखो अब ये पूरी मैंने आवाज जीरो कर दी है भाई। ये देख लो इसकी फिटमेंट भी एकदम जीरो है, मतलब ऐसा ऐसे लगता है फैक्ट्री फिट है, फैक्ट्री फिट है, वही मैं कह रहा हूँ एकदम फैक्ट्री फिटेड जीरो टू जीरो फिटमेंट के साथ। ये देख लो मैं पास से दिखा देता हूँ बढ़िया से। और भाई ये वाला जो था इसके अंदर भी क्या सारे फीचर नहीं रहे? कुछ नहीं था इसके अंदर, बेसिक था तो बेसिक सा था। जो फैक्ट्री फिट पहले आते थे ना सीडी प्लेयर वगैरह वाले, ये वो चीज थी। और अब इसके अंदर हमको हर एक चीज मिल जाएगी। हाँ जी मतलब एप्पल कारप्ले भी है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ है, सब कुछ है इसके अंदर। और जो हमारे जितने भी हम कमांड कैमरा भी सारे फैक्ट्री फिटेड वाले वर्किंग है। अच्छा फैक्ट्री फिटेड वाले वर्किंग है भाई। ये देखो भाई 360 डिग्री कैमरा है, 360 डिग्री कैमरा ही पूरा प्रॉपरली वर्किंग है। यहाँ भैया ने किया, यहाँ पे देखो गियर डालती सारी चीजें फिजिबल हो गई। मतलब आपने एंड्रॉइड इसके अंदर इंस्टॉल किया है और जो 360 कैमरा इसके अंदर था वो उसमें कंपैटिबल था, मैं उसको कंपैटिबल कर दिया। अरे वाह ये देख लो ये हेड यूनिट। अगर जिसके पास अब बीएम है या पुरानी या अच्छा भी पापा, तो ये बीएम में हो सकता है कि और किसी गाड़ी ऑडी हो, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर, एनी किसी भी कार में हाई एंड में। बाकी मतलब नॉर्मल कार में तो होता ही है। हां जी मतलब लेकिन हाई एंड कार का क्या होता है ना, कई बार ना हेड यूनिट्स अवेलेबल ही नहीं होते। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया अपना हेड यूनिट। ठीक है अब थोड़ा सा साइड में हो गया ना भाई स्टीयरिंग के, स्टीयरिंग इंस्टॉल करा इसके एम स्पोर्ट्स वाला, एम स्पोर्ट्स भाई स्टीयरिंग बहुत प्यारा। आपको दिखा दें जो पहले लगा हुआ था। हाँ भाई पहले वाला दिखा दो। ये देखो ये पहले जो लगा था वो ये रहा, इसके अंदर ये रहा इसके अंदर पहले वाला। और ये जो अब लगाया ना वही तो बड़ा प्यारा लग रहा है यार, डिफरेंट चीज है यार, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसके अंदर क्या पैडल शिफ्टर भी हमको मिल रहे हैं? सारे कंट्रोल्स चालू है, सारे कंट्रोल्स वर्किंग। हाँ जी बिल्कुल कंट्रोल्स वर्किंग है इसके अंदर, सारे हमारे कंट्रोल्स वर्किंग है। हाँ जी ये देख लो मैं पास से और दिखाया था, स्ट्रेचेस वगैरह पूरी कॉर्नर से लेके बहुत स्पोर्ट्स ही है, स्टीयरिंग बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। हाँ मतलब ऐसा स्टीयरिंग भी और कौन कौन सी गाड़ियों में मिल जाएगा हमको? जनरल वोक्सवैगन सारी गाड़ियों के, बीएमडब्ल्यू के, मर्सिडीज के, अच्छा वेबैक में भी हम लगा रहे हैं, वेबैक में लगा रहे हैं। ठीक वोक्सवैगन का पोलो का भी मिल जाएगा, पोलो का भी मिलेगा, क्या बात है, आपकी गाड़ी में लगा देंगे। पोलो का भी लगाना पड़ेगा अब तो लेके। ये तो चलो हमारा स्टीयरिंग मतलब जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है और इसके बाद भी एक बात बताओ, गाड़ी ना नीचे से पूरी हमारी हाफ रेड कर दी ना, प्योर लेदर लगाया जितना भी हमने, जी प्योर लेदर स्टैंड लेगा। ये देखो फिनिशिंग आप देख सकते हो, एकदम पास से दिखाता हूँ फिनिशिंग देख लो, सॉफ्ट टच क्या रेडी किया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि रेड है तो अच्छा नहीं लग रहा भाई, बहुत सुंदर लग रहा है इसके अंदर। देख पा रहा हूँ डैशबोर्ड उसका पहले भी काला था, अभी भी काला ही थोड़ा। हाँ ठीक है तो लेकिन जो इसके पिलर है, ये पिलर में बहुत अलग सी कोटिंग करी है आपने कुछ? ये हमने इस पे फैब्रिक की कोटिंग आती है वो करी है, फैब्रिक कोटिंग हुई है भाई अपने पिलर के अंदर। ये हाँ जी थोड़ा पास से दिखाता हूँ, ये फैब्रिक की कोटिंग हुई है, मतलब इस पे लेदर रैप नहीं किया गया, कोटिंग करी हुई है। हाँ भाई बहुत एकदम हाथ लगाने पे ना बिल्कुल वही मैं कहने वाला था, बिल्कुल हाथ लगाने पे लग रहा है ओईएम फिटमेंट, जैसे फैक्ट्री से आता सेम वही चीज आपको लग मिलेगी। उसके बाद रूफ पे आते भैया, रूफ भी अपने पूरी ब्लैक। हाँ जी ब्लैक करी पूरी भाई साहब, ये देख रहे हो कितना फिनिशिंग है, फिनिशिंग बहुत प्यारी है। और एक आपको भी डिफरेंट चीज भी दिखाते हैं, ये रूफ देख लो पूरी टेल पीछे तक एकदम ब्लैक, इसके ऊपर सनरूफ भी लगी हुई है, तो ये भी पूरा कपड़ा वपड़ा आपने इसके ऊपर भी सनरूफ सारा चेंज किया है। ठीक है एक डिफरेंट चीज है, अभी भैया दिखाएंगे वो भी आप लोगों को आगे वीडियो में।
अब जो है यहाँ पे सारा अंधेरा होने वाला है और आप लोगों को एक जबरदस्त चीज हम दिखाने वाले हैं, है ना। हाँ जी, ये देखो अंधेरा होना शुरू हो गया। पहले तो ये देख लो, मैं जो कह रहा था कितनी अच्छी लग रही है, देख रहे हो रिफ्लेक्शन में, मतलब नेक्स्ट लेवल लग रही है एकदम। ठीक है, अब आप दिखाओ जादू। ये देखो भाई, सनरूफ फटते ही हमारे चांद तारे सामने आ गए। भाई साहब क्या लग, गैलेक्सी रूफ लाइट लगाई हमने इसमें, गैलेक्सी रूफ लाइट। हाँ जी, और इसमें फीचर है जैसे आप सनरूफ खोलेंगे ये ऑफ हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। सनरूफ बंद करते ही जब अपनी पोजीशन पे आएगी तो लाइट ऑन हो जाएगी। भाई साहब उसका स्विच भी आता है, हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अच्छा, ऑफ भी कर सकते हैं, यानी हर टाइम ऑन नहीं रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो ऑन कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। भाई साहब ये देखो यार कितनी प्यारी लग रही है। मुंबई कौन कौन सी गाड़ियों में लग सकती है? कोई भी जिस गाड़ी में सनरूफ है उसमें हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, ये सनरूफ किसी भी गाड़ी में। अच्छा मुंबई किसी की गाड़ी में अगर मैनुअल लगी होगी तो? मैनुअल लगेगी तब भी लगा देंगे, लग जा देंगे। चलो ये भाई बहुत अच्छी लग रही है। एक बार और आपको पास से दिखाया था सारे चांद, ये लग्जरी सेडान्स में आपने कमी देखी होगी। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, हम भी ने पहले करी है, ऑडी में भी हमने लगाई है, हमने एसयूवीज में करी है, हाँ हाँ, सेडान में हमने भी फर्स्ट टाइम लगाई है। ठीक है, बाकी एक बार एम्बिएंट लाइट और दिखा देता हूँ आप लोगों को, अंधेरा हो ही गया है तो। ठीक है, तो ये देखो कितनी ज्यादा सुपर लग रही है, मैं कह रहा था ना आंखों पे लगेगी ये रिफ्लेक्शन में। और ये देखो सामने कितनी ज्यादा ब्राइट है, मतलब ये देख लो गाड़ी का अंदर का मौसम एकदम अंधेरे में बहुत बढ़िया लग रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे इसकी रूफ लगी भाई, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को रूफ इस टाइम पे कैसी लग रही है। चलो फिर भैया सारी बातें हमारी हो गई है, हमने अपनी सारी चीज़ें दिखा दी गाड़ी की, अब हमारी मेन चीज़ आती है जो कि हमारी है कस्टम सीट्स, प्योर लेदर सीट कवर्स हैं स्टैनले के। ये देखो प्योर लेदर की सीट, स्टैनले का ही फैब्रिक है, स्टैनले का फैब्रिक है। मैं एक बार अपनी सीट दिखाया था भाइयों को, ये देखो भाई जो स्टैनले का प्योर लेदर है ना, प्रॉपर पैडिंग करेगी हमने सीट्स में। अच्छा ये पुरानी गाड़ी है वैसे भी ना, तो उसमें नीड पड़ी होगी, 8-9 साल पुरानी गाड़ी है, 8-9 साल पुरानी गाड़ी कहीं से लग रही है, जज नहीं कर सकते सीरियसली, कहीं से लगी नहीं रही कि अभी आर्ट कंसोल पे भी सारा यही कर रहा है, सोल के ऊपर भी पूरा सॉफ्ट टच के साथ रेडी किया हुआ है। हां जी, पियानो सॉरी हाइड्रो टिपिंग करी है, सॉरी पूरी है हाइड्रो टिपिंग हुई है। और ये पीत मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, ये रह गया था, ये करा है। इसके बाद पूरा कंसोल नीचे पे पूरा देख रहे हो, यहाँ पे भी हाइड्रो टिपिंग के पार्ट, मतलब एक गाड़ी रेडी करने के लिए बहुत टाइम और बहुत दिमाग चाहिए, हर चीज के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, विवेक कितना टाइम हम मान के चले अगर गाड़ी रेडी करानी है इस तरीके से? हाँ जी 10 दिन मान के चले, है ना। या देखो करना है 4 दिन में कर सकते हो, मगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो काम अच्छा होता है, अच्छा मिलता है। पहले भी होता है कि मैंने जो देखा है भैया पर्सनली, पहले गाड़ी रेडी करवाते हैं उसके बाद खुद भी देखते हैं, फिर कमी पेशी लगती है खुद ठीक करवाते हैं सामने सामने, कस्टमर को कहने का मौका ना मिले। कोई भी गाड़ी हो कैसा भी काम हो, चाहे इंटीरियर से चाहे मॉडिफिकेशन से चाहे ऑडियो सिस्टम, ठीक कोई भी ऑडियो सिस्टम कोई भी ऑडियो ब्रांड आप मांगोगे हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक, मतलब बेसिक से बेसिक और हाई एंड से हाई एंड हमारे पास सारा कुछ स्टॉक में होता है ऑडियो। ठीक है, अच्छा ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम सिर्फ हाई एंड ही लगाते हैं, अगर किसी को बेसिक चाहिए तो हमारे पास बेसिक लो बेसिक मिलेगा, मिड रेंज लो मिडिल मिलेगा, हाई एंड जी तो हाई एंड जी, और इंडिया के अंदर जो भी ब्रांड अवेलेबल है हमारे पास स्टॉक में मिलेगा। चलो क्योंकि कई लोगों को शायद ये रखता होगा कि यार भैया सिर्फ बीएम फॉर्च्यूनर में ही काम कर रहे हैं। नहीं यार, हम सारी गाड़ियों का काम करते हैं, चाहे वो मारुति कार है, हाँ, चाहे वो सिलेरियो S50 है, ब्रिजा है, कोई भी कार हो, कोई से भी कार हो। अच्छा भैया ये तो हो गया हमारी कस्टमाइजेशन की बात, अब हम ये भी इसमें अपनी साथ साथ हम और क्या काम करते हैं? पीपीएफ भी करते हैं, पीपीएफ भी करते हैं, सेरेमिक कोटिंग भी करते हैं, हीट रिजेक्शन वाली फिल्म्स भी होती है हमारे पास। ठीक ठीक ठीक, यार गाड़ी से रिलेटेड कोई भी काम है हमारे पास होगा। चलो मतलब गाड़ी से रिलेटेड कोई भी काम हो हम करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली गाड़ी को कितने अच्छे से मॉडिफाई किया है, और सीरियसली बता रहा हूँ ये गाड़ी ना इतनी पुरानी है उसके बाद भी इसकी सीट्स इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है, नॉट बिकॉज ऑफ बीएमडब्ल्यू, बिकॉज ऑफ इस पे ऊपर काम किया है बहुत अच्छे से। चलो आज के लिए इतना था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।